आपके अपने YouTube चैनल CW में आपका स्वागत है। आज टैली के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कंपनी टैली को डाउनलोड किया जाता है और टैली क्या, उसके बारे में देखेंगे। टैली में कंपनी किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज टैली, क्या है टैली। टैली इज एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन विच इज यूज इन एनी कंपनी और स्मॉलेस्ट टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ आवर बिजनेस। हमारे जो बिजनेस में होता है, छोटा से छोटा जो ट्रांजेक्शन होते हैं और बड़ा से बड़ा ट्रांजेक्शन को, है ना, जो उसको सारा का ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड रखने के लिए ही हम लोग टैली का उपयोग करते हैं, जिसको बही खाता को हटा के टैली का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। दिस लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली है ऑल्सो कंसिस्ट GST। देखिए, इससे पहले वाला जो टैली था, टैली RP9 2017 से पहले का जो टैली था, उसमें GST नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में GST नहीं लगा हुआ था। अब कहते हैं टैली को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि टैली को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे चलने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टैली प्राइम। उसके बाद यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल सेटअप है, जो सेटअप कर लेंगे यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हमें पहले से डाउनलोड है, इसीलिए इसको मैं स्टॉप कर देते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। परचेज करना है तो लाइसेंस मोड, और लाइसेंस मोड में क्या होता है, एजुकेशनल मोड में क्या होता है, तो आप यदि एजुकेशनल मोड में करते हैं तो उसमें डेट आप नहीं चेंज कर सकते हैं, जबकि लाइसेंस वर्जन लीजिएगा तो उसमें डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग एजुकेशनल मोड पे ओपन करते हैं। इसमें जो पिन पहले से लगा हुआ है उसको दे दिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अच्छा लगता है अगर वीडियो, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। चलिए, क्योंकि फिर से यहाँ पे अब देखिए, टैली स्टार्ट आइकन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट टैली है, जो प्राइस ऑफ टैली, टैली का जो रेट है 18,000। 18,000 अगर आप सिल्वर लेते हैं टैली, तो 18,000 प्लस GST। इसमें गोल्डन लेते हैं तो आपका 54,000 प्लस GST। 18% GST इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा अगर लेते हैं तो। इसका निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी इससे आगे कंपनी बनाने के किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आते हैं टैली में। टैली में आने के बाद देखिए, अल्ट पहले यहाँ पे जितना जो हाईलाइट है, एक एक अक्षर, ये शॉर्टकट बताता है। जैसे इसमें अल्टर में ए है, चार्ट में सी है, भाउचर में भी है, यहाँ बुक में के है। ये हाईलाइट है, जो इसके शॉर्टकट जाने के लिए ये है। हम के जैसे यहाँ अल्टर ए प्रेस किए, यहाँ अल्टर में आ गए। और टैली में बैक करना हो तो ESC बटन का उपयोग करेंगे, एस्केप की, कोना में बायां साइड में सबसे ऊपर होता है, इसे पीछे। हम सबसे पहले भी चलते हैं कंपनी में, देखते हैं ये कंपनी हो तो। हम लोग अल्ट कैसे कंपनी में आएंगे, कंपनी में पहले क्रिएट, चलिए क्रिएट में चले। और क्रिएट में चलने के बाद यहाँ से कंपनी का नाम जो हम रखना चाहते हैं, कंपनी का नाम रख देंगे द कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से कंपनी हो गया। कंपनी कहाँ है, ठीक, ये मेलिंग एड्रेस, तो मेलिंग एड्रेस यही रह जाएगा। एड्रेस क्या हो जाएगा, नियर हाई स्कूल आवापुर। उसके बाद यहाँ स्टेट, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो स्टेट में आ जाएगा बिहार। उसके बाद पिन नंबर जो आपका है वो दे दीजिए। उसके बाद आपका जो टेलीफोन नंबर है वो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर जो आपको है वो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और फैक्स नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी अगर जो है, तो दे दीजिए ईमेल आईडी, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर वेबसाइट है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वेबसाइट भी दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इससे आगे हम कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए, शॉर्टकट में कंट्रोल ए से हम इसको सेव कर दे रहे हैं। चलिए, इसमें अभी GST वगैरह हमको नहीं अभी देखना है, आगे देखेंगे। और मेरा कंपनी है जो बन गया। अगर इसके बाद आते हैं फिर से अल्ट के प्रेस किए, अल्ट प्रेस करने के बाद अल्टर, ये अल्टर बटन, अल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अल्टर का उपयोग किया जाता है सुधार करने के लिए। अगर कंपनी आप बना, मोबाइल नंबर गलती दिया गया, तो उसके लिए फिर से इसमें आए, और इसमें जो जो आपको सुधार करना है
उसको आप सुधार कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर अगर कुछ भी बदलना है तो फिर आप बदल सकते हैं। वेबसाइट भी अगर छूट गया तो आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए तो आपका कंपनी है जो तैयार हो गया। ईएसटी से आप पीछा कर लीजिए, बैक के स्पेस बैक कर लीजिए, कंट्रोल ए से फिर से चलते हैं। चेंज कंपनी, चेंज कंपनी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका अगर टैली में दो तीन कंपनी खुला हुआ है पहले से, ठीक, अगर एक से दूसरे में जाना चाहते हैं तो उस समय चेंज कंपनी का उपयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे दो कंपनी खुला हुआ है तो दोनों में से आपको जिसमें जाना है चेंज कंपनी करके आप जा सकते हैं। फिर अल्ट के आइए, फिर यहाँ पे चेंज कंपनी, और इसमें अगर आना है तो ये कर लीजिए, ठीक। तो चेंज कंपनी में यहाँ जो ओपन रहेगा सिर्फ आपको उतना ही दिखाएगा, यहाँ जो ये ओपन रहेगा उतना ही आएगा। जबकि यहाँ पे आप अगर आइएगा सिलेक्ट कंपनी में, अल्ट के आते हैं, अल्ट के आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे है सिलेक्ट कंपनी। इस साइड में जो है वो सारा का सारा शॉर्टकट बताता है। तो सिलेक्ट कंपनी में आते हैं तो पहले से इसमें जितना कंपनी खुला रहेगा, जैसे देखिए क्लॉक लगा हुआ, ये भी आ गया और ये सब कंपनी आ गया। तो इसमें से जितना कंपनी खुला रहेगा तो किसी भी कंपनी का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए ईएसटी से हम पीछे आते हैं, अल्ट के फिर से आते हैं, शट कंपनी बंद करने के लिए। शट कंपनी कौन कंपनी के करना है? कंप्यूटर वाला, इसको हम बंद कर दिए। चलिए फिर से आते हैं अल्ट के। अगर नीचे में अगर अंडरलाइनिंग में ए गो लगा हो, यहाँ अंडरलाइनिंग ए है, एक है, तो अल्ट के साथ, और डबल अंडरलाइनिंग जहां पे रहेगा उसको कंट्रोल के साथ करेंगे तो अल्ट के आएंगे। और इसके बाद आएंगे सिक्रेटरी में, पहले सिक्रेटरी में आते हैं उसके बाद टेली वोल्ट में। चलिए सिक्रेटरी में आए, सिक्रेटरी में एक है टैली बोल्ट में आए। टैली बोल्ट में क्या होता है, आप जो लॉक लगाना चाहते हैं अपना टैली में तो आप लॉक लगा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 हम लॉक लगा दिए, कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 लॉक लगा दिए, ये मेरा टैली में लॉक लग गया। क्या कर रहा है, डू यू वॉन्ट टू क्रिएट कॉपी दिस, इसका कॉपी भी आप करना चाहते हैं तो नहीं। अब देखिए इसका कोड आ जाएगा जो 10002 के नाम से, नहीं करना चाहते कॉपी तो नो कीजिए। 1 2 3 4 5 ये द कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से आ गया। अगर अल्ट के आए और यहाँ पे आए सिलेक्ट कंपनी पे, सिलेक्ट कंपनी पे आए, सिलेक्ट कंपनी पे आने के बाद देखिए ये है 10, यहाँ पे है 10002 है, जो जो मेरा यहाँ कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कोड दिखाएगा। तो कोड आपको याद करना होगा जब लॉक लगाइएगा तो। और इसको हम ओके करके ओपन कर दिए, क्योंकि पहले से ओपन था इसीलिए पासवर्ड नहीं मांगा है। फिर से आते हैं आप टैली बोल्ट में, टैली बोल्ट हो गया सिक्रेटरी। सिक्रेटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, बाय द वे आप किसी भी कंपनी में है, ठीक, तो किसी भी आप कंपनी में है तो जितना भी उसमें इम्प्लॉय आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर आता है, तो सबको आप तो ओरिजिनल टैली का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना होगा, प्रत्येक उसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा प्रत्येक को अलग अलग आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा, क्योंकि कौन क्या कितना काम किया, कितना गड़बड़ किया, वो सारा का सारा काम उसमें आपको मालूम चल जाएगा। अगर ओरिजिनल आप यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं तो उस सेंस में क्या होता है, कौन गलती करेगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और कोई से कोई गड़बड़ी कर देगा और बेचारा किसी को भी भुगतना पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे टैली का है जो सिक्रेटरी ऑप्शन का उपयोग करते हैं। चलिए इसको हम यस कर दिए। उसके बाद यूजर नेम, मेन कौन सा यूज करेगा, तो मेन अगर हम यूज करेगा ललित, ललित मेन, इसका पासवर्ड क्या दे देते, 1 2 3 4 5 इसका दे दिए, कंफर्म 2 3 4 5 इसका दे दिए, मेन का है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं कीजिए, बैक आते हैं, इसमें नो कर दीजिए, और इसमें भी नहीं कुछ, इसमें भी, इसमें यस कीजिए। यस आने के बाद आप देखिए इसमें किसको रखना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम क्या है, तो दिनेश है, दिनेश है,
इसका पासवर्ड क्या है 123, फिर उसके बाद किसको रखना चाहते हैं, एक और हम डाटा एंट्री ऑपरेटर को रख लेते हैं, इसका नाम सोनू है, इसका पासवर्ड क्या है 123, इसका भी रख दिए। ठीक, अगर यहाँ पे आप यूजर नेम पे उसका मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, पासवर्ड में भी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, और कंट्रोल ए से हम इसको सेव कर लिए। ठीक, सेव करने के बाद ये तो सेव हो गया। अब देखिए इसमें फर्क क्या है, दोनों में हम आखिर सिक्योरिटी ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अल्ट के और यहाँ पे आते हैं, पहले शट कंपनी करते हैं। ठीक, शट कंपनी है, इसको हम बंद कर दिए, बंद कर दिए। अभी हम टैली खोलते हैं। ठीक, तो टैली में तो पहले हम दिए 1 2 3 4, जो टैली बोल्ट में दिए है उसको पहले ओपन करेंगे। अब इसमें किसका खोलना चाहते हैं, द कंप्यूटर एजुकेशन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सोनू और दिनेश के रखे उसका, या फिर हम ललित को जो मेन वहां पे उसका खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ललित का खोलते हैं, तो ललित का है और इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, इसका ओपन हो गया। देखिए ओपन होने के बाद क्या सब इसमें है, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसमें क्या सब है, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट है, अल्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, भाउचर है, डे बुक है, नेट बैंकिंग है, उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो, ये सारा का सारा है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं और इसके बाद फिर से आते हैं अल्ट के पे और यहाँ से हम शट कंपनी करते हैं, शट कंपनी, इसको बंद कर दिए, बंद कर दिए। फिर से हम इसको हम ओपन करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, ये तो दूसरा ओपन हो गया। चलिए हम उसको फिर से करते हैं ओपन, आते हैं शट कंपनी पे, शट कंपनी पे, शट कंपनी से नहीं, यहाँ से अल्ट के से आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कंपनी पे आएंगे। सिलेक्ट कंपनी पे आने के बाद ये है कोड है 10002, इस पे क्लिक किए, 1 2 3 4 5, पहले मेन हो गया। अब इसके पास पूछेगा कि वो तो टैली बोल्ट था जो उसमें लॉक लगा था टैली में, अब सिक्रेटरी में आएंगे, सिक्रेटरी में आने का भी हम सोनू को, सोनू का है जो ओपन करते हैं 1 2 3, सोनू का ओपन की। तो इसमें देखिए इसमें आपका अल्टर का है जो काम नहीं करेगा, इसमें अल्टर का आपका काम नहीं कर रहा है, इसमें है जो ये बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब काम नहीं है। अब देखिए आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब थोड़ी थोड़ी देखना है, वो तो मेन आदमी को देखना है जो मेन यूजर है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टैली पार्ट 4 में, और जहाँ पे हम लोग और इससे आगे टैली का काम देखते हैं। जय हिंद।